उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस वैकेंसी 2022 के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो के माध्यम से इस जो लोअर पीसीएस की भर्ती है 2022 में होने वाली, कब तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई होंगे, कैसे इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता है, किस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है, ताकि आप अभी से इसकी तैयारी कर सकें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा स्तर का आता है और जटिल इसकी प्रक्रिया होती है। तो इसमें शामिल अभ्यर्थियों को लिए जो है तैयारी एक विशेष तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। साधारण तैयारी इसमें इस परीक्षा को पास करने के लिए जो है सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा, साधारण तैयारी से काम नहीं चलेगा। यहाँ बात करते हैं लोअर पीसीएस भर्ती 2022 के कुल अनुमानित पदों की। तो देखिएगा, जैसे कि रिक्त पदों की जो संख्या है वो लगभग 1000 में कैटेगरी से संबंध रखते हैं, फ्रीडम फाइटर हो या इस तरीके के हों, तो उनको भी आयु में छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आयु का जो मैटर है वो क्लियर हो जाता है। कुल मिलाकर के जो ज़्यादातर कैंडिडेट से मान करके चलिएगा कि 18 से 40 वर्ष तक आपको मौका दिया जाएगा, EWS को विशेष छूट नहीं दी जाएगी। और बात की जाए कि कोरोना में विशेष आयु छूट दी जाएगी, तो उसके लिए सरकार की जो भी प्रक्रिया होगी वो आपके सामने नोटिफिकेशन में ही स्पष्ट हो पाएगी। क्वालिफिकेशन की यदि बात की जाए तो मुख्य क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर आपकी जो है स्नातक की डिग्री है। यदि स्नातक की आपके पास डिग्री है तो इन 26 प्रकार के पदों में से लगभग 17 पद ऐसे हैं, 17 टाइप्स के, जिनमें आप जो है केवल ग्रेजुएशन के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। किसी विशेष डिप्लोमा या किसी विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप सभी समझ सकते हैं कि 9 टाइप्स के पद आपके लिए इस प्रकार से बनते हैं कि उनमें विशेष योग्यताएं आपसे मांगी जाती है स्नातक के साथ साथ। उसमें आपसे जो है कंप्यूटर का ज्ञान मांगा जा सकता है, कुछ पद कंप्यूटर जो है संचालकों के लिए होते हैं तो उनमें कंप्यूटर का मांगा जाता है, कुछ जो है प्रूफ रीडर या उस तरीके के होते हैं तो उनमें भी आपसे विशेष योग्यता मांगी जाती है। अब ये स्नातक होने के बाद कुछ जो पद ऐसे होते हैं जो आपकी जो है इंस्पेक्टर वगैरह या इस तरीके के जो पद होते हैं उनमें क्या मांगा जाता है, उनसे आपसे जो है फिजिकल की योग्यता भी आपसे मांगी जाती है और उनका जो है मेडिकल टेस्ट भी होता है। तो ये जो टेस्ट है ये मुश्किल से 3 प्रकार के पद ऐसे हैं जिनमें फिजिकल और मेडिकल की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, जो इंस्पेक्टर या उस तरीके के सहायक इंस्पेक्टर के पदों के लिए आपसे जो है यहाँ पर आवेदन मांगेंगे। तो उन लोगों के लिए फिजिकल मेजरमेंट और आपका जो है मेडिकल की प्रक्रिया भी होगी। तो कुल मिलाकर के जो मोस्टली पद हैं उनके लिए स्नातक की आपकी आवश्यकता होती है। सिलेक्शंस का प्रोसेस और सिलेबस को समझते हैं, उसके बाद कट ऑफ के ऊपर आएंगे। तो सिलेबस और यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस है कि आपका जो सिलेक्शंस होगा वो परीक्षा के आधार पर होगा। एक तो होगा आपका प्री एग्जाम्स और एक होगा आपका जो है मेन एग्जाम। बाकी जो है मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है कि कुछ पदों के लिए जो है फिजिकल या मेडिकल की प्रक्रिया होगी, लेकिन ज़्यादातर पदों के लिए केवल 2 पेपर होंगे। ये होगा आपका प्री एग्जाम्स, ये होगा आपका मेंस एग्जाम। अब प्री एग्जाम्स से रिलेटेड ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेंस एग्जाम्स में तो जो कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 2.5 गुना कैंडिडेट्स चुने जाते हैं,
तो उसके लिए प्रक्रिया बाद में आएगी आपकी, क्योंकि प्री से ही जुड़ा सिलेबस मेंस में भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है। इंटरव्यू की यदि बात की जाए तो देखिएगा, इंटरव्यू फिलहाल की कंडीशन में इसमें नहीं है, तो इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है। केवल आपको जो है प्री एग्जाम्स देना होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम्स के लिए आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मेंस एग्जाम्स के बाद आपकी जो है फाइनल कट ऑफ बनेगी, फाइनल कट ऑफ से आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। जिस पद के लिए आप जो है पोस्ट की अपनी प्रेफरेंस भरोगे तो उसी के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ बनती है, तो ये जो कट ऑफ है ये फाइनल कट ऑफ बनती है अलग अलग। प्री एग्जाम्स के लिए सभी की एक ही कट ऑफ बनती है और आपको जो है नेक्स्ट लेवल के लिए भेजा जाता है। बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ प्री एग्जाम्स का सिलेबस। तो सिलेबस में सबसे पहले आपका जो पेपर होगा, तो वो पेपर जो है कुल मिलाकर के 2 घंटे का आपका होगा। 2 घंटे का आपका होगा, 150 आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 जो क्वेश्चंस हैं ये होंगे आपके 300 मार्क्स के, यानी 300 अंकों के लिए ये आपका पेपर होगा। इसमें क्या है कि नेगेटिव मार्किंग भी आपकी जो है अप्लाई रहेगी। तो नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/4 की, या आप इसको बोल सकते हैं कि 0.50 अंक जो है आपका एक क्वेश्चन गलत के लिए काटा जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स हैं तो उसका चौथा हिस्सा बैठता है आपका आधा अंक, तो इसको बोलते हैं 0.50। तो ये अंक आपका नेगेटिव मार्किंग में काट। अब इस पेपर में आपसे पूछा क्या जाएगा, तो इस पेपर में मुख्य रूप से आपसे पूछे जाएंगे 4 कंटेंट। पहला जो है आपका वो पूछा जाएगा, देखिएगा यहाँ पर रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, और ये जो रीजनिंग का पार्ट है ये आपसे पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन। तो ये 25 क्वेश्चन होंगे और ये आपके होंगे 50 अंक के, एक क्वेश्चन जो है 2 अंकों का है, तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आपसे पूछे जाएंगे और 50 अंकों के आपके होंगे। उसी तरीके से हिंदी के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी के भी 25 क्वेश्चन जो है आपके 50 अंकों के होंगे। जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य जागरूकता है या सामान्य अध्ययन है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50। और ये जो 50 क्वेश्चन है इसमें ही आपके जो है करंट के क्वेश्चन होंगे और ये 100 अंकों के आपके होंगे। तो कुल मिलाकर के 3 सब्जेक्ट आपके हो गए हैं। अब चौथा जो सब्जेक्ट है वो है आपके देखेगा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से आपके क्वेश्चन आएंगे और इसी में आपका जो पाठ जुड़ा हुआ होगा वो होगा गणित का। तो सामान्य विज्ञान और गणित के क्वेश्चन आपसे, और ये जो क्वेश्चन है ये भी 50 क्वेश्चन होंगे और ये भी आपके 100 मार्क्स के होंगे। तो कुल मिलाकर के आपको समझना होगा कि 5 सब्जेक्ट आपको तैयार करने पड़ेंगे, रीजनिंग, हिंदी, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित।